बाबू भाई बस गाड़ी की कार्रवाई हो। गुलाब पार्क मार्केट पे बोर्ड लगाए आप लोग ठाणे महानगर पालिका का कि पार्किंग ना किया जाए, आप लोग खुद पार्किंग कर रहे हो। कौन पार्किंग अभी निकाले ना आपने? कौन सी ये गाड़ी? अभी कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, ये कार्रवाई कौन करेगा? ये तो उनका ट्रैफिक पुलिस वाला काम है ना। अच्छा, ये बोर्ड मनपा के तरफ से लगाया गया है। ये जाली जाली भी जाली क्या? इनको ऐसा शक था कि इससे मुंह करके काम धंधा करते हैं, हमने उससे से मुंह करते हैं। अच्छा, हमने जाली का पेक कर दिया तो इधर पार्किंग हो जाती थी और लोग आते थे, इसलिए पर्दा लगा दिए, नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिए। और जो अभी जो गाड़ी कार्रवाई है उनका काम है, ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है इनकी। कितनी गाड़ियाँ खड़ी है? बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, और ज्यादा खड़े हैं। तो ये ट्रक वरक खड़े हैं आखिर, तो क्या मतलब है ऐसा बोर्ड लगा के? मतलब परेशानी हमसे थी ना कि हमारी गाड़ी सारी को परेशानी गुलाब पार्क मार्केट वाले से थी। अच्छा, लेकिन अभी तो आप लोग ने पर्दा लगा दिया, फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इधर पार्क है। बस मनपा का काम है, टीम से काम है, जो भी करना है कार्रवाई करो, गाड़ियाँ उठाओ। ये गुलाब पार्क मार्केट का एरिया है, आप देखेंगे यहाँ पर जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की मार्केट थी गुलाब पार्क में, यहाँ पर पर्दा लगा दिया गया। इस वजह से ये पर्दा लगवाया गया था ताकि यहाँ पर ट्रैफिक ना हो और लोगों को गाड़ियाँ ना पार्क करने के लिए यहाँ पर एक मनपा प्रशासन द्वारा बोर्ड भी लगाया गया कि यहाँ लोग गाड़ियाँ ना पार्क करें। लेकिन आपको दिखाएंगे कि सब कुछ यहाँ पर मुमरा में उल्टा ही हो रहा है। नो पार्किंग का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और ये देखिए एक लाइन से यहाँ पर सब बाइक पार्क की गई है, और बाइक के अलावा तो छोड़िए, देखिए यहाँ पर ट्रक भी पार्क किया गया है जिससे सामान उतारा गया। इसी तरह से आपको आगे भी दिखेगा कि आगे भी यहाँ पर इसी तरह से दो से तीन गाड़ियाँ जो है पार्क की गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुमरा में ट्रैफिक समस्या को लेकर लगातार जो है यहाँ के कुछ शहर के जिम्मेदार हैं और कुछ ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बावजूद जो है ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही है। और इस वजह से गुलाब पार्क मार्केट को बताया गया कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम हो रही है, इस वजह से मनपा ने यहाँ पर पर्दा लगाया कि यहाँ से जो दुकानें लगी है लोग जो है रोड के तरफ से आकर यहाँ पर जो है सामान खरीदते हैं, इस वजह से जो है ट्रैफिक जाम होती है और गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पार्क कर दी जाती हैं, और इसी वजह से ये पर्दा लगवाया गया। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर गाड़ी पार्क की जा रही है, और इस तरह से ट्रक बड़े बड़े ट्रक हैं वो भी यहाँ पर खड़े किए गए हैं जिसमें से सामान उतारा जा रहा है। अब सवाल उठता है जो यहाँ के लोग हैं, जो मार्केट के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि ये ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी है। मनपा ने जो उनसे कहा था उन्होंने अपना रूल फॉलो कर दिया, पर्दा लगवा दिया। अब देखने वाली बात है कि क्या ट्रैफिक विभाग जो यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं क्या उन पर जो है इस तरह की किस तरह की कार्रवाई करेगी। ये ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा है तो गाड़ियाँ ना खड़ी करें। लेकिन आप देखेंगे कि गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जाती हैं, नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, पर्दा लगा है, लेकिन कोई भी मानने को राज़ी नहीं है यहाँ पर। और गाड़ियाँ ट्रक बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर तीन चार ट्रक पार्क किए गए हैं, बाइक पार्क की गई हैं,